हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, अगर आप भी ऐसी क्लियर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में, तो इसके लिए वीडियो का एंड तक पूरा देखना। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना वीपीएन कनेक्ट करना है। आप किसी भी वीपीएन का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। देन आपको फोटोज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड एक ब्लैक इमेज को ऐड करना है एंड इसे आपको टैप करके अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग इंक्रीज करना है। देन आपको बैक जाना है एंड ओवरले आइकन पे क्लिक करना है एंड ओवरले पे जाके अपनी फर्स्ट वीडियो को ऐड करना है। मैं इसे थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपनी वीडियो पे टैप करके साइड स्क्रॉल करना है एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है एंड अगेन रिसाइज पे क्लिक करना है एंड 16:9 को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी वीडियो को सही से एडजस्ट करना है एंड टिक वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड अगेन यहाँ पे इसे सही से एडजस्ट करना है। इसके बाद आपको बैक जाना है एंड अगेन ओवरले पे जाके सेकंड वीडियो को ऐड करना है एंड अगेन ट्रांसफॉर्म पे जाना है एंड रिसाइज पे क्लिक करना है एंड 16:9 को सिलेक्ट करके अपनी वीडियो को सही से क्रॉप करना है। देन इसे भी सही से एडजस्ट करना है एंड अगेन बैक जाके ओवरले पे क्लिक करना है एंड थर्ड वीडियो को भी इसी तरीके से ऐड करना है। देन ट्रांसफॉर्म पे जाके रिसाइज पे क्लिक करना है एंड 16:9 को सिलेक्ट करके अपनी वीडियो को सही से क्रॉप करना है एंड यहाँ पे भी आपको अपनी वीडियो को सही से एडजस्ट करना है। सो इतना करने के बाद वीडियो देख सकते हो एंड इसके बाद आपको ओवरले पे क्लिक करना है एंड ब्लैक इमेज के लास्ट में आपको टैप करना है। देन एक एक करके सारी वीडियोस पे जाके स्प्लिट पे क्लिक करना है एंड एक्स्ट्रा वीडियो पे क्लिक करके डिलीट करना है। इसके बाद अगेन अपनी वीडियो को चेक करके एडजस्ट कर लेना एंड वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड 4K को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करना है। देन वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी एंड गाइस, वीडियो में इफेक्ट डालने के लिए आपको अगेन न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड अपनी वीडियो को ऐड करना है एंड जहाँ पे भी आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे आपको जाके अपनी वीडियो पे क्लिक करना है एंड स्प्लिट पे क्लिक करना है। आपको जहाँ भी लगाना हो आप वहाँ लगा सकते हो। देन आपको वीडियो के स्टार्टिंग पे आना है एंड इफेक्ट्स पे क्लिक करना है एंड वीडियो इफेक्ट्स पे जाके डायमंड जूम को सिलेक्ट करना है एंड इसे अपने वीडियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। आप इसके साइज एंड इंटेंसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद आपको स्प्लिट पे भी क्लिक करना है एंड अपने अकॉर्डिंग एनिमेशंस को ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे वर्टिकल ब्लर को ऐड कर रहा हूँ एंड इतना करने के बाद आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। देन किसी भी क्वालिटी में सिलेक्ट करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।